हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं एलिगेटर गार्फिश के बारे में। हाल ही में एक न्यूज़ आती है कि कश्मीर की डल लेक में एलिगेटर गार्फिश डिस्कवर की जाती है, और इस बात पे इतनी हलचल इसलिए होती है कि ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। बेसिकली एलिगेटर गार्फिश एक यूरी हलाइन फिश है, और ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, जनरली फ्रेश वाटर्स में, और ये लार्जेस्ट स्पीशीज़ है गार फैमिली की। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये 20 से 30 साल का होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अब बेसिकली यूरी हलाइन फिश होती है जो सॉल्ट वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में अडेप्ट कर सकती है, वो होती है यूरी हलाइन फिश। अब इस फिश का अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे तो ये लीस्ट कंसर्न है IUCN के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कंसर्न्स क्या हैं? बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, ये 8 फीट तक ग्रो कर सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा। दूसरी बात, इसके दांत जो होते हैं ना काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है, आप जैसा नाम में ही देख सकते हैं। इंडिजेनस फिश स्पीशीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है ये। और इस फिश की सबसे ख़ास बात है कि वेरिंग, लाइक जैसा हमने देखा था कि सॉल्ट वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में अडाप्ट कर जाती है, तो सैलिनिटी वेरी भी करती है, तो इस फिश को बहुत ज़्यादा खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बहुत कोल्ड वाटर यानी कि लोअर टेम्परेचर्स में भी सस्टेन कर जाती है, ये भी एक बहुत ख़तरनाक बात है इस फिश की, क्योंकि ये बहुत इजीली, मतलब अगर डल लेक फ्रीज भी हो जाती है और काफ़ी लोअर टेम्परेचर्स होते हैं विंटर में, उसके बावजूद भी ये तो वहाँ सस्टेन कर जाएगी ना, तो ये भी एक इशू है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कहता है कि जो भी इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं दे आर नॉट अलाउड, ठीक है, इनकी जो प्रेजेंस है दैट इज़ प्रोहिबिटेड, अगर ये हार्म कर सकते हैं इंडिजिनस स्पीशीज़ को या फिर नेचुरल जो भी स्पीशीज़ हैं उन्हें अगर ये हार्म पहुंचाएंगे तो दीज आर प्रोहिबिटेड। अब हम डल लेक की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये कश्मीर के श्रीनगर में है, ठीक है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक है और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, क्योंकि लार्जेस्ट तो वुलर लेक है। अब यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा शिकारे वगैरह काफ़ी चलते हैं, बोटिंग, बोट हाउसेस, ये सब बहुत ही ज़्यादा है इसी कारण से, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण से डल लेक को ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कमर्शियल ऑपरेशंस एज वेल एज लाइक प्लांट हार्वेस्टिंग होती है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लोटस स्टेम, मतलब एक यूनिक चीज़ है जो कश्मीर में बहुत कम लेक्स में जिसकी प्रोडक्शन होती है, लोटस स्टेम, जिसे कमल ककड़ी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसकी हार्वेस्टिंग यहाँ पे होती है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है इसका। देन फिशिंग भी होती है, और भी काफ़ी सारे लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं डल लेक में, तो इसलिए उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और क्योंकि यहाँ फिशिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक इन्वेजिव स्पीशीज़ जैसे कि एलिगेटर गार है अगर वो प्रेजेंट है, तो जो भी इंडिजिनस या जो लोकल फिश है उसे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बेसिकली लास्टली इसके एरिया की अगर हम बात करें तो इसका एरिया लगभग 18 स्क्वायर किलोमीटर है, और नेचुरल वेटलैंड का ये पार्ट है। तो ये हमने डिस्कस किया डल लेक के बारे में, एलिगेटर गार के बारे में जाना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।